अफीम के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या। मंदसौर से 14 लाख की अफीम लेकर फरार हुआ बदमाश, बटाईदार पहुंचा तो मिला शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मंदसौर में अज्ञात व्यक्ति ने एक 70 साल की महिला की हत्या कर दी। हमलावर उसके घर में रखी 7 किलो अफीम लेकर फरार हो गया। अफीम की कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के लसुड़िया गांव की है। गुरुवार सुबह सूचना के बाद एसपी अनुराग सुजानिया, एएसपी गौतम सोलंकी, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी, टीआई नीरज सारवान, चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय मौके पर पहुंचे। पुलिस एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार महिला का नाम चंद कुमार है। उसके नाम 10 अरी करीब आधा बीघा जमीन में अफीम पट्टा है, जिसे उसने गांव के प्रहलाद प्रजापत को बटाई में दिया था। महिला ने अपने दोनों बेटे बलवंत सिंह और महेंद्र सिंह के साथ राजस्थान के निम्बाहेड़ा में रहती है। दोनों बेटे जेके सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक महिला की हत्या में किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है। महिला 1.5 महीने पहले ही गाँव आई थी, वह अकेली रहती थी। चंद कुंवर अफीम के सीजन में लसुड़िया में रहकर बटाईदार के साथ खेती करने आई थी। बटाईदार प्रहलाद प्रजापत गुरुवार महिला को गोदाम की तारीख बताने आया तो उसने घर पर दरवाजा खोला। अंदर फर्श पर महिला मृत पड़ी थी। इसके बाद प्रहलाद ने पुलिस को सूचना दी। एएसपी गौतम सोलंकी के अनुसार महिला की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। महिला का गला धारदार हथियार से रेता गया। बता दें, लोकल ब्लैक मार्केट में 1 किलो अफीम की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो है। पुलिस भी एनडीपीएस केस इसी कीमत के आधार पर दर्शाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।